गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं टॉपिक ऑन ट्रेड यूनियन एंड दिस विल बी द टॉपिक रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स एंड द पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर्स। सो आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं ट्रेड यूनियन में। ऑलरेडी मैंने अन अकेडमी के सेशन में आपको कंप्लीट करवा दिया है ट्रेड यूनियन, सो यू कैन चेकआउट माई लिंक्स माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट ऑल द लिंक्स रिलेटेड टू द क्लासेस। ठीक है, सो अन अकेडमी में पे मैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, सो यू कैन जॉइन माय क्लासेस ओके एवरी डे। सो दिस इज फॉर द एन टी यू जी सेनेट प्रिपरेशन फॉर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, लाइक पी वाई क्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। एंड ये जो सेशन आपका होने वाला है ये आपका 21 मई को है एंड द टाइमिंग विल बी 7 PM। सो ज़रूर से इस टेस्ट को अटेंड करिए बिकॉज दिस इज़ अ बेस्ट टाइम कि आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो अपने सारे क्विजेज को एंड ऑल। ओके, सो अभी हम आगे करते हैं। और कोई भी न्यू लर्नर है, लाइक कोई भी पहली बार अनअकैडमी के ऐप पे आ रहे हैं, तो वो फिर मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं PKNET10। यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस बिकॉज मैं आपको फ्री क्लासेस ही प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। सो वो आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एंड प्लीज़ चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो बिकॉज वहाँ पर मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। ईच एंड एवरी पार्ट इज़ देयर। सो जो ये वाला टेस्ट का लिंक है ना, वो भी फर्स्ट ऊपर ही आपको विजिबल हो जाएगा लिंक, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो, राइट। सो अभी हम करते हैं डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो है 21A। डिसक्वालिफिकेशन वही होगा, आपको पता है ऑफिस बेयरर्स की जो एज होती है वो 18 ईयर्स होती है, और अगर वो अटेन नहीं करता है इस पर्टिकुलर एज को 18 ईयर्स की, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। एंड एक और चीज़ बताई है कि अगर कोई भी पर्सन इम्प्रिजनमेंट हुआ है या फिर कोई भी कोर्ट केसेस में फंसा हुआ है, ऑफिस बेयरर बनना भी चाहता है, तो उसको 5 साल तक बनने नहीं दिया जाएगा। जब वो उस पीरियड से, मतलब वो जो रिलीज़, जब वो रिलीज़ होगा उसके 5 साल बाद वो ऑफिस बेयरर की पोस्ट के लिए एक एलिजिबिलिटी क्रिएट कर सकता है, उससे पहले वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोर्ट केस चल रहा है। सो दो ये डिसक्वालिफिकेशन है जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अमेलगमेशन ऑफ द ऑफिस ट्रेड यूनियन। अमेलगमेट जब हम करते हैं एक या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन को जब अमेलगमेट किया जाता है, जब एक साथ टुगेदरनेस लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड यूनियन एंटाइटल्ड टू वोट आर रिकॉर्डेड। सो अगर हम यहाँ पर बात करें वोट्स रिकॉर्ड करने की, तो रिकॉर्डिंग के लिए 50% होना चाहिए। एंड अगर हम फेवर की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फेवर की बात कर रहे हैं प्रपोजल में, उसमें 60% चाहिए होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखना फेवर इज़ फॉर 60%। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे रिकॉर्डेड वोट्स रिकॉर्ड कब होंगे, किस पर्टिकुलर परसेंटेज में होंगे, 1/2 अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 इज़ इक्वल्स टू 50%, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोटिस ऑफ द चेंज फॉर द नेम एंड द अमेलगमेशन। तो कभी भी चेंज करना है नेम को या फिर अमेलगमेट करना है दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन को, तो सेक्रेटरी का साइन चाहिए होता है एज वेल एज 7 मेंबर्स का भी साइन चाहिए होता है, और फिर वो रजिस्ट्रार को जाएगा, ठीक है, चेंज में भी और आपका अमेलगमेशन में भी। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है आपकी ट्रेड यूनियन के नेम से या फिर अमलगमेशन के कुछ प्रोसीजर से, सो वो आपको यहाँ पे मतलब डिसक्वालीफाई भी कर सकता है, वो आपको इस पर्टिकुलर चेंज के लिए राज़ी नहीं हो सकता है ना, एक तरीके से मना भी कर सकता है। सो वो ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करने के लिए सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए, सब कुछ, चाहे वो चेंज के नेम के लिए हो या फिर अमेलगमेशन के नेम के हो, बस इस पर्टिकुलर स्लाइड में यही मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न्स की बात करते हैं, तो रिटर्न्स आपका हमेशा जाएगा कब, 31st day ऑफ द दिसंबर। एवरी ईयर 31st day जो दिसंबर का होता है वो पर्टिकुलरली रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ेगा एनुअली। एंड ये कौन करेगा, ऑब्वियसली आपका ओनर करेगा, मैनेजर करेगा, जो उस ट्रेड यूनियन का पर्सन है, ठीक है। सो जिसमें कि आपका जो भी एसेट्स हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, उसमें सब कुछ आपको वो क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। एंड कॉपी ऑफ द रूल्स भी आपको जाएंगे, मतलब एक तरीके से जनरल जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो सेंट होगी रजिस्ट्रार को, ओके। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, हाँ, यहाँ पे अगर अल्ट्रेशन, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं या कुछ अल्ट्रेशन हो रहे हैं, तो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा
विद इन 15 दिन दिया जाएगा कि रजिस्ट्रार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरेशन के लिए ध्यान रखना 15 डेज होता है। नेक्स्ट पेनल्टीज़ की बात करें तो पेनल्टीज़ में 3 या 4 ही हैं पेनल्टीज़। अगर हम बात करें यहाँ पे फेलियर ऑफ़ द सबमिट, कभी भी फेलियर हो जाए तो 5 रुपये से 50 रुपीज़ तक जाता है, 5 से 50 तक जाता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा अगर फेलियर हो रहा है तो रिटर्न्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो 200 रुपये होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस, मतलब अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कितना जाएगा, उसमें जाता है 6 मंथ्स का आपका एक तरीके से जेल हो जाती है 6 मंथ्स की, ठीक है। एंड आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स, एंड जो भी लिंक्स हैं वो आप ज़रूर से चेकआउट करना, एंड डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट करके फिर आप सेशंस को देख लेना आज के। थैंक यू ऑल, बाय।